चलिए आप मार्केट में निकले हैं एक गाड़ी लेने और समझदारी करके आपने चुनी है कि यूज्ड कार, ब्रांड, मॉडल, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब तो ठीक है, पर बात अटकी दो चीजों पे, गाड़ी की एज या किलोमीटर रीडिंग। एग्जांपल लीजिए, एक 60,000 किलोमीटर चली 2013 वैगनर लगभग 2,00,000 में वर्सेस एक 25,000 किलोमीटर चली 2017 वैगनर लगभग 4,50,000 में। जाहिर सी बात है कि आप 2017 मॉडल चलेंगे, ऑलमोस्ट नई गाड़ी और चली भी कम है। अब सिचुएशन उल्टा करिए, 2017 वैगनर 60,000 किलोमीटर चली, दूसरी तरफ 2013 वैगनर 25,000 किलोमीटर चली, तो अब क्या करेंगे आप? देखिए, ना गाड़ी की एज या किलोमीटर रीडिंग उसकी असली वैल्यू नहीं बता सकती। एक 25,000 किलोमीटर चली थोड़ी सी नई गाड़ी जिसका कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं घाटे का सौदा हो सकती, वही एक 60-70,000 किलोमीटर चली पुरानी गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन विद सर्विस रिकॉर्ड्स फायदे का सौदा है। इंडिया में खैर किलोमीटर को ज्यादा तवज्जो मिलती है, बट गाड़ी कितनी पुरानी है ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी नई गाड़ी पे कम किलोमीटर रीडिंग होना ये भी दर्शा सकता है कि वो गाड़ी बहुत समय तक बंद पड़ी होगी। तो आप क्या देखते हैं, गाड़ी की एज या किलोमीटर रीडिंग? कमेंट्स में बताएं, और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।